मेरा नाम मनोज कुमार है और आज मैं आप लोगों को पैनासोनिक जो आईपी कैमरा है उसको इनिशियलाइज कैसे करते हैं, ठीक है, जिसका मॉडल नंबर है PI-SPW-203ZL। और एक और मॉडल है हमारे पास जो डोम है, उसको भी सेम प्रोसेस से करेंगे, PI-SFW-202L। तो ये दोनों मॉडल आपके प्रोसेस सेम है आपका इनिशियलाइजेशन करने का, ठीक है। सबसे पहले करते क्या है कि पैनासोनिक का जो आईपी फाइंडर टूल है उसका नाम है डिवाइस सर्च। ये देख रहे हैं डिवाइस सर्च के, इस पर क्लिक कीजिएगा तो ये इस तरह से खुलेगा। तो फिर उसके बाद क्या है, देखिए ये मॉडल आपको सामने दिख गया, हमने अभी बुलेट लगा रखा है तो ये मॉडल दिख गया। उसके बाद आप लॉगिन करेंगे यहाँ से, या फिर अगर आपको आईपी पता है तो इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है यहाँ से ओपन कीजिएगा आप। इसको मैं ओपन कर रहा हूँ, ये देखिए खुल गया। अब हमें पता था कि इसका आईपी क्या है, हमने आईपी डाल दिया ब्राउज़र पे। ये हमारा ब्राउज़र पे ओपन हो गया। ये आपका जैसे ही ओपन होगा नया कैमरा तो इस तरह से आपका पिक्चर नया स्क्रीन आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पर पासवर्ड बनाना है, ADMIN@123। प्रोसेस इसका सेम है कि आपको दो तीन वर्ड मिला के बनाना होगा, नंबर, अल्फाबेटिक और केस सेंसिटिव। तो मैं तीनों यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहें तो आप भी इसी तरह से, आप चाहें तो अपने हिसाब से नंबर, अल्फ़ाबेट, केस सेंसिटिव, जैसे @ हैशेस वगैरह होते हैं तो उसके हिसाब से आप बना करके कर सकते हैं। यहाँ पर ईमेल का एड्रेस है, आप ईमेल डाल दीजिएगा। मैं डालता हूँ अपना ईमेल, ठीक है, ये मैं सेव कर दिया, ये लिख दिया डिवाइस इंस्टॉलेशन कंप्लीटेड। अब ये दोबारा से आपका ये ओपन हो गया। मैंने बनाया था admin@123 password, ये लॉगिन हुआ आपका, ठीक है। इस तरह से आया तो घबराइए नहीं, ये प्लगइन सेट जब तक डाउनलोड नहीं होगा आपका पिक्चर नहीं आएगा। ये मैं रन करवा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये इनिशियलाइजेशन आप लैपटॉप से करते हैं, ठीक है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में NVR से कैसे इनिशियलाइजेशन करते हैं पैनासोनिक का, वो भी मैं बताऊँगा आपको, ठीक है। उम्मीद करता हूँ अच्छे हैं, थैंक यू।